गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विकास सर। हम इंटर ट्वेल्थ के हिंदी को लेकर आ रहे हैं, उसका सारांश आप लोगों को बताएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस चैनल पर बने रहिए रोज़ सुबह 7 बजे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि इंटर में हिंदी 100 नंबर का होता है, जिसमें कुल मिलाकर 26 पार्ट हैं। उसमें का पहला पार्ट का आज हम लोग परिचय देंगे, उनके थोड़ा सा लेखक के बारे में जानते हैं। आइए बातचीत पाठ का हम शुरुआत करते हैं। आज से नया चैप्टर शुरू करते हैं, बातचीत। आप लोग जानते हैं कि बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। उनके माता का नाम पार्वती देवी और उनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। उनके पिताजी बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। उनके पिताजी के देहांत के बाद बालकृष्ण भट्ट अपने पिताजी के व्यापार को ही आगे बढ़ाने लगे। उनके व्यापार में उन्हें कठिनाइयां भी होने लगी, जिसके चलते उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बदल लिया। उनके कार्य क्षेत्र में उनके माता पार्वती देवी का बहुत ही बड़ा योगदान था। उनकी माता जो थी, उन्होंने अपने पुत्र को इस प्रकार से मोटिवेट किया, इस प्रकार से बनाया कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी अच्छा स्थान प्राप्त किए। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया एक पाठ है, जिसका नाम है बातचीत। बातचीत का एक विशेष अर्थ होता है। बातचीत करना मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है। ईश्वर के द्वारा दिए गए अनेक वरदान हैं हम लोग के पास, जिसमें एक है बातचीत। हमारी ज्ञान इंद्रियां अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, जिसमें अगर सभी क्रियाकलाप हो और बातचीत नहीं हो तो सब बेकार है। कोई भी व्यक्ति एक जगह बैठकर अगर बातचीत नहीं कर सकता है तो उसकी सारी क्रियाकलाप बेकार है। बातचीत करना ईश्वर के द्वारा दिया गया एक ऐसा वरदान है, जिसके द्वारा हम लोग अपने अंदर की बात, विश्वास, अपनी फीलिंग, सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं। बातचीत जो पाठ है, बहुत ही सुंदर, सरल भाषा में और अच्छा पाठ है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा खुद वही समझाते हैं। बातचीत एक से दो व्यक्ति के साथ किया जा सकता है, दो या तीन व्यक्ति के साथ, तीन से चार व्यक्ति के साथ किया जा सकता है। लेकिन वहीं हम बात करें स्पीच, जिसे हम लोग भाषण कहते हैं। भाषण देने के लिए स्टेज की आवश्यकता होती है, साथ साथ दर्शक की आवश्यकता होती है। भाषण देने के लिए हमें अनेक प्रकार के लोगों को संबोधन करना पड़ता है, संबोधन की आवश्यकता होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन। जबकि बातचीत करने के लिए इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। हम दो व्यक्ति भी अपने आप में बातचीत कर सकते हैं, अपने मन की व्यथा उन्हें सुना सकते हैं, उनकी बात अपने से सुन सकते हैं। यदि दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो, तो अगर कोई ऐसी बातें आ गई तो हम लोग थोड़ा सा हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं। लेकिन यही बात यदि हम लोग स्पीच की करें, तो स्पीच में ऐसी बात नहीं है। स्पीच में हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बात करनी पड़ती है, जिससे दर्शक हमेशा उत्साहित हो, जोश में आए, तालियां बजाए, जबकि बातचीत में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि मेरे अंदर क्या है, हम बातचीत ही नहीं करें तो सामने वाले को क्या पता चलेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे दुकान में शटर लगा है, दुकान जब तक खुलेगा नहीं तो पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर क्या चीज़ की दुकान है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि अमुक व्यक्ति कैसा है, वह किसके बारे में बात करता है, किससे बात करता है, वह किस स्वभाव का है, चिड़चिड़ा स्वभाव का है, पागलपन है, या वह सामाजिक आदमी है। इससे बातचीत करने से ही इन सारी स्वभाव का पता चलता है। बातचीत के प्रकार हम लोग जानते हैं, बातचीत के कई प्रकार हैं। जैसे अगर दो बूढ़ी औरत आपस में बात करें, तो उन लोगों को अपने नई नवेली बहु बेटियों की बुराई करने में ही सारा समय निकल जाता है। मेरी तो बहू ऐसी है, मेरी तो बहू वैसी है, उन्हें फलाने चीज़ की ढंग नहीं है, फलाने चीज़ की ढंग नहीं है।
बातचीत के क्रम में अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल में जो तेज बच्चे होते हैं वे आपस में ऐसे बात करते हैं जैसे उनके सामने स्कूल के सभी बच्चे ही कमज़ोर हैं। अगर सबसे कमज़ोर बच्चे आपस में बात करें तो उन्हें लगता है कि हम सबसे कमज़ोर हैं और बाकी क्लास के सभी बच्चे आपस में हमसे तेज हैं। अगर दो बूढ़े व्यक्ति आपस में बात करें तो उन्हें जुआओं की हिनाई में ही सारा समय बीत जाता है। वे हमेशा यह कहते रहेंगे कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, हमारे ज़माने में तो लोग पैदल चलते थे, आज के ज़माने में तो लोग बहुत, यानी हिनाई में ही सारा समय उनका निकल जाता है। अगर कुछ बच्चे जो जैसे खेल खिलाड़ी की बात करें तो कुछ बच्चे जो क्रिकेट फुटबॉल या तरह तरह की बात करते हैं ऐसे बात करेंगे जैसे उनको लगता है कि मेरे से ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है। उन्हें अपनी बड़ाई दूसरे की हिनाई में ही अपनी भलाई है, उन्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अगर इस प्रकार से हम बातचीत के प्रकार का और सारा बात करें, शादी विवाह की बात, प्रेम, एक दूसरे के प्रेम की बात, इस प्रकार से बातचीत के कई प्रकार हैं। यूरोप में बातचीत के बारे में चलें, जिसको हम लोग कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यूरोप में बातचीत और स्पीच में कोई अंतर नहीं होता। वहाँ के लोग जो बातचीत करेंगे इंग्लिश में करेंगे, जबकि वहाँ बातचीत और स्पीच में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि यहाँ हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है, बातचीत और स्पीच में बहुत अंतर होता है। जहाँ तक बातचीत का बात है, बात करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यदि वह दूसरा व्यक्ति वो मेरे परिवार का भी हो सकता है, समाज का भी हो सकता है, या बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है, बाहरी व्यक्ति यदि मेरे पास आते हैं तो हम उनसे ऐसे बात करें, अगर उनके मन के अनुसार बात न करें तो उन्हें लगता है कि शिष्टाचार में ही त्रुटि हो गया। उनको बुलाएं, बैठाएं या उनके अनुसार बात न करें तो भी अच्छा बात नहीं हुआ। वे अगर बिन बुलाए चले आए तो उन्हें लगता है कि अमुक व्यक्ति के पास हम बिन बुलाए ही चले आए। तो हमारे समझ से सबसे अच्छा बातचीत करने का तरीका यह है कि हम अपने आप को इस प्रकार से योग बनाएं कि हमें दूसरे से बात करने की आवश्यकता ही न हो और हम अपने आप में ही बातचीत कर लें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति ऐसी है जो प्रति क्षण नए नए रंग दिखाती है। हमें अमुक व्यक्ति से बात करना है तो ऐसे बात करें, हम जानते हैं कि हम सभी व्यक्ति को अपने बात से खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो सके जितना भी हो सके हमें अपने बातचीत से अपने सामने वाले को खुश करने के बारे में सोचना चाहिए। बात करने की जो शक्ति है ऐसी होती है, अगर हमारे शरीर में सारी क्रियाकलाप हो, अगर केवल बातचीत न हो, बोलने की क्षमता नहीं हो, तो मानो कि पूरे शरीर खड़ी है लेकिन प्राण नहीं है। ऐसे यह शरीर बातचीत के बिना, बात के बिना बिल्कुल बेकार है। प्रकृति के द्वारा हमें एक शक्ति दी गई है जिसे हम कह सकते हैं वाक शक्ति। एक वाक शक्ति अगर हमारे शरीर में नहीं होता तो न जाने कितने प्रकार की शक्ति का दमन हो जाता। हमारी जो जिह्वा है वह हमेशा एक कतरनी की तरह सदा स्वच्छंद चलती रहती है। यदि हमने अपने जिह्वा को काबू में कर लिया तो समझिए कि न जाने हमने कितने क्रोध, बड़े बड़े शत्रुओं को बिना उसके ऊपर आघात किए हम उसको जीत सकते हैं। ईश्वर ने हमें कई ज्ञान इंद्रिया और कई पांच ज्ञान इंद्रिया और पांच कर्म इंद्रिया दिए हैं, जिसमें एक बात करने की जो शक्ति है यदि हमारे शरीर में नहीं होता तो सोचिए क्या हम लोग बिना बात किए दिन भर रुक सकते हैं, रह सकते हैं, क्या ऐसा संभव है? ऐसा कभी संभव नहीं है। बातचीत प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया गया एक ऐसा वरदान है जिसका हम लोग कभी भी कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं। इसलिए इस पाठ से हम यह सीखते हैं कि हमेशा प्रकृति के द्वारा दिए गए वस्तु का आदर करें, सम्मान करें, उसका महत्व को समझें। तो आज हम इसके साथ ही बातचीत पाठ का समाप्ति करते हैं। आप लोग बने रहिए सुबह 7 बजे इसी चैनल पर, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी पाठों का सारांश इस पर उपलब्ध होगा सुबह 7 बजे।